वो खुद भी कुछ कर लिया करो, मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे डॉली, ये तुम खाली रॉड को तुम इस तरह उठा रही हो जैसे पता नहीं कितने सौ किलो का वेट उठाया हुआ तुमने। मुस्तकी, कई सौ किलो फील करूंगी तभी तो ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। कैलोरीज कौन सी आंखें होती है कि उनको पता चले मैंने कितना वेट उठाया है? उन्होंने तो मेरी फील से ही अंदाजा लगाना है ना। बहुत ज्यादा ज़हीन नहीं हो गई थी? वो तो मैं शुरू से हूँ, बस मैं शो ऑफ नहीं करती। मैं नहीं किसी को पता चलने देती कि मैं कितनी ज़हीन हूँ। अच्छा मैं जा रहा हूँ, शाम में वापस आऊंगा। मेरे आने तक इतनी पतली ना हो जाना कि मैं पहचान ही ना सकूं। अच्छा फिर मैं थोड़ा और वेट डाल देती हूँ। ज़्यादा वेट है भाई। चल डॉली मैं जा रहा हूँ। ये क्या? ये क्या कर रही हो तुम? मुस्तकीम, वो मैंने YouTube पे एक नई वीडियो देखी थी, उसमें ये एक्सरसाइज बताई थी, इससे वजन कम होता है। इससे वजन कम होता है? ये कौन सी एक्सरसाइज है? वो बता रहे थे कि आप ना गर्दन को ऐसे 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 करें, सामने केक रखें, तो इससे वजन कम होता है। ये एरोबिक एक्सरसाइज है। पता भी है एरोबिक्स होती क्या है? हाँ पता है। अभी देखना मेरा वेट काबू होगा। वेट करती हूँ। ये क्या हुआ? ये वेट कम होने की चीख है या ज्यादा होने की? उतने का उतना होने की। इतनी एक्सरसाइज की, इतनी मेहनत की, मेरा वेट वही का वही है। लगता है चेंज करनी पड़ेगी। क्या एक्सरसाइज? नहीं मशीन। सही बात, मैं जा रहा हूँ। डॉली ये बेला है, हमारे सोसाइटी में नई आई है। मुझसे मिलने आई हो? गुड। इस सोसाइटी में जो भी नया आता है सबसे पहले मुझसे मिलने आता है। इसका ना एक छोटा सा मसला है, तो मैंने कहा कि हमारी डॉली के पास तो हर मसला होता है, मतलब मसले का हल होता है। तो बताओ बताओ डॉली को। जी वो मेरा बॉस थोड़ा अजीब सा है। तो मैं लिफ्ट नहीं कराता, ऐसा तरीका बताऊंगी तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। ऐसा नहीं है, वो तो पहले ही मुझ पे इतना मरता है, शादी करना चाहता है मुझसे, लेकिन मैं वो जॉब छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती। आप मुझे बताएं ना मैं क्या करूं। डॉली, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही, क्या कर रही है? वो मैं सोचने की एक्टिंग कर रही हूँ, थोड़ा इंप्रेशन पड़ेगा ना, समझा करो। तुम ऐसा करो, उसको ये इंप्रेशन दो कि तुम शादीशुदा हो। मसलाल ठीक है। बेला, मैं अलबेला, तुम्हारे बगैर ये अलबेला सिर्फ इल यानी बीमार रह जाता है। तुम उससे उम्र में थोड़ी सी छोटी हो, लेकिन आई डोंट माइंड, मैं एडजस्ट कर लूंगा। तुम उससे थोड़ी सी खूबसूरत भी हो, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है। जब मैं तुमसे मुखातिब होता हूँ तो यूं महसूस होता है जैसे मैं फवाद खान हूँ, है ना? बेला, जब से तुम्हें देखा है ये दिल उदास और परेशान रहता है, मुझे खांसी आनी भी बंद हो गई है, मेरा ब्लड प्रेशर लो से हाई होने लगा है। बेला, विल यू मैरी मी? क्या बदतमीजी है, काम करो जाके। ये तो हमें आपसे कहना चाहिए। कौन बोला ये? कौन बोला? चलो निकलो। स्टॉप। हाँ डॉली मैं समझ गई, बस मुझे डर लग रहा है थोड़ा। एक मिनट, पता नहीं क्यों शोर मचा रहा है बुड्ढा। ओ बुड्ढा यहीं आ रहा है। हैं? बुड्ढा? मुझे तो ऑफिस में कोई बुड्ढा नजर नहीं आ रहा। से फोन पे ऐसे बात करो जैसे तुम अपने हस्बैंड से फोन पे बात कर रहे हो। डॉली पहले साल वाला या दसवें साल वाला? नहीं नहीं प्यार से बात करो, उसको खुद ही पता चल जाएगा कि नई नई शादी हुई है। 10 साल बाद तो मियां बीवी बात थोड़ी करते हैं, सिर्फ लड़ते हैं। सर वो घर से कॉल है, बात कर लूं? अरे हाँ हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं, जो दिल आए करो, तुम्हारा अपना ऑफिस है। जी जी मेरा मतलब है डार्लिंग मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ हाँ मुझे पता है कि आप आए हुए हैं। सर मेरे हस्बैंड की कॉल है। हस्बैंड? सुनो बॉस को बोलो कि बोले ना मेरे हस्बैंड बहुत शकी है। तुम्हारा खामन भी है?
यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरा मतलब है डार्लिंग, आपको पता है मेरे बॉस तो बहुत ही अच्छे और मेरा तो बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं। बेमिसाल वो कह रही है कि बुढ़ा गुस्सा हो रहा है। ऐसा करो बेला, तुम ना मुझसे फोन पे लव की रोमांटिक बातें करो, जैसे जैसे पूछो मुझसे टाइम क्या हुआ है। ये कैसा रोमांस हुआ भला? नहीं अच्छा तो फिर तुम ऐसा करो मुझसे मेरा फोन नंबर मांगो। लो हो गया रोमांस अब। जी जी मैंने भी आपको बहुत मिस किया, आप इतने दिनों बाद पाकिस्तान आए। लो इसकी शादी हो गई और मैं रिहर्सल नहीं करता। तुम ऐसा करो फोन पे मुझे कहो आई लव यू, बल्कि किस करो। आई लव यू डार्लिंग। एक्सक्यूज मी, इस किस्म की लूज टॉक में ऑफिस में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बात और है। सर आपने ही तो कहा था कि आपका अपना ऑफिस है। मैंने कहा था? पता नहीं मैं क्या बकबक करता रहता, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉली और ग्रेट, तुम्हारा सारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। आखिर क्या कमी है मुझमें? दूर से देखो तो भाइयों सईद लगता हूं, और दूर से देखो तो फवाद खान लगता हूं। उसका हस्बैंड जो है मुझसे ज्यादा अमीर, मालदार, दौलतमंद, स्मार्ट और नौजवान है क्या? नहीं, कभी भी नहीं। मैं अलबेला, बेला के बगैर सिर्फ इल यानी बीमार। सर मुंह मीठा करें, मुबारक हो। किस बात की मुबारक? सर लड़की ने शादी की प्रपोजल कबूल कर ली है। क्या बकवास कर रहे हो? इस हरकत पर मैं तुम्हें नौकरी से भी निकाल सकता हूँ, वो पहले से शादीशुदा है। सर यही तो मजाक था, वो पहले से शादीशुदा है लेकिन वो नहीं है। अच्छा तो क्या वो मुझसे मजाक कर रही थी? नहीं सर, वो मुझसे मजाक कर रही थी। मेरी बल्कीस ने मुझसे पहले कहा मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मुझसे भी पहले उसने यही कहा था कि वो शादीशुदा है। सर आपसे भी ये कहा था? नहीं नहीं, मैं वो किसी और की बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये लड़कियाँ बहुत चालाक होती हैं, इनके दिल में कुछ और मुंह पे कुछ होता है। मुझे भी लगा था कि मेरी कहानी खत्म, मेरा दिल नहीं माना, मैं लगा रहा तो पता चला वो शादीशुदा है। नहीं बॉस, वो शादीशुदा नहीं है, वो मेरा इम्तिहान ले रही थी। अच्छा इसका मतलब है फिर वो मेरा भी इम्तिहान ले रही है। कौन बॉस? बल्कीस? नहीं नहीं, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। चलो डब्बा लाओ, मुंह मीठा करो, ये लो। जाओ। जी हाय डॉली, आप जीनियस हैं, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। आप लोगों को पता है मेरा बॉस उसके बाद से नजर ही नहीं आया। यू आर ग्रेट डॉली। तुम खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं जानती हूँ मैं जीनियस हूँ। काश मुस्तकीम भी होते तो कितना फायदा होता। हमारी डॉली के मशवरों से ना सबको हमेशा फायदा होता है, बस डॉली कोई नहीं होता। डॉली क्यों नहीं होता? पता नहीं क्यों नहीं होता। आप मजाक कर रही हैं ना, इन्होंने तो अपने शोहर को नाक की तरह सीधा करके रखा होगा। सोच भाई, मेरी नाक तो ना बचपन से ही टेढ़ी है, और मेरा बस चले तो मैं तो सारे शोहरों को बचपन में ही बीमारी की वैक्सीनेशन के साथ बेवफाई की वैक्सीनेशन भी दिलवा दूं। वाह डॉली वाह। वैसे तुम्हें पता है बेगम जवाद के जो हस्बैंड है ना, उन्होंने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली है। रियली? फिर तो वो सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन पर पूरी नहीं उतरती होगी। तुम लोगों को पता है सेक्रेटरी की पहली क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि वो बदसूरत। अरे मुस्तकीम आप आ गए, ये हमारी नई नेबर है बेला। बेला तुम अभी क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि सेक्रेटरी की पहली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो बदसूरत हो। नहीं नहीं नहीं, मेरे बारे में क्या कह रही थी इससे पहले? हाँ यही कि आपने अपने हस्बैंड को नाक की तरह सीधा रखा होगा। उससे पहले क्या कह रही थी? क्या कह रही थी मैं? हाँ याद आ गया, मैं कह रही थी कि आप तो जीनियस हो। तो अब क्या फायदा है? चले गया ना वो। जी बॉस, जी आ रही हूँ।
तुम्हारा इस बुड्ढे ने क्यों बुलाया है? बॉस आपने बुलाया? आपको शादी की मुबारक देना तो मैं भूल गया। किसकी शादी? ओ हाँ, मेरी मेरी शादी। खैर मुबारक। अच्छा कब हुई शादी? कब हुई? कब? हाँ थोड़ा ही अरसा पहले। थोड़ा अरसा कितना? 2 घंटे पहले या 2 दिन पहले? बॉस 2 साल पहले। किससे हुई आपकी शादी? वो मेरी शादी मेरे हस्बैंड से हुई। रिश्तेदारों में? हाँ हाँ, वो हस्बैंड के रिश्तेदारों में हुई। अच्छा, नाम क्या है हस्बैंड का? कि वो अभी सोचा ही नहीं। मेरा मतलब है फवाद। हाँ फवाद। हाँ हाँ सर, आपको कैसे पता? मेरी बात कराइएगा उनसे। वो अभी अभी कैसे बात करा सकती हूँ? हस्बैंड है अभी का नहीं है? है, क्यों नहीं है? मैं अभी बात करवाती हूँ आपकी। मैं 1 मिनट। हेलो हेलो डॉली, वो मेरे बॉस मेरे हस्बैंड से बात करना चाहते हैं। ये डॉली कौन है? वो बॉस मेरी मेड है। हाँ। अच्छा, तो उससे पूछकर मियां से बात करती हैं आप? हाँ हाँ, कराओ बात उनसे। 1 मिनट में हस्बैंड बनने की रिहर्सल तो कर लूँ जरा। बात करवाएं। हेलो फवाद खान। जी आप फवाद खान बोल रहे हैं? आप फवाद खान बोल रहे हैं? मैं नहीं, आपको कह रहा हूँ फवाद खान। बेला, ये तुम्हारे मियाँ की आवाज दरमियान दरमियान में जनाना क्यों हो जाती है? वो सर दरमियान दरमियान में मेड आ जाती होगी ना। ये बुड्ढा कहाँ चला गया? क्या कहा? ओह अच्छा अच्छा, लाइन पे है, लाइन पे है। ठीक है, अब वो बेला आपकी बहुत तारीफ करती है। कहती है कि बिल्कुल बाप की तरह ट्रीट करते हैं मुझे। जी बाप? मैं? आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? ये 10 साल। क्या 10 साल? बेला तुम्हारे मियाँ तो कह रहे हैं कि हमारी शादी को 10 साल हो गए। एक्चुअली सर वो खावन तो ऐसे ही होते हैं ना, शादी के 2 साल बाद भी उनको लगता है कि 10 साल हो गए। आप मेरी बात करें। हेलो, हमारी शादी को 2 साल हुए, 10 साल नहीं। पहले बताना था। वो बुड्ढे को फोन दो। कौन औरत है जो मुझे बुड्ढा बुड्ढा कह रही? वो सर मेरी मेड होगी, आप मेरी बात कराएं। फवाद बन के, मेरा मतलब है फवाद से बात कराओ। हेलो, आपकी अरेंज मैरिज है? जी जी, हमारी लव मैरिज है। वो एक बार गर्मियों की दोपहर थी, बारिश हो रही थी, बर्फबारी भी हो रही थी, मैंने दूर से आती हुई बेला को देखा और मुझे लव हो गया। मेरा हस्बैंड आ गया है? आप चक्कर लगाए क्या कभी? डॉली, ये क्या तुम आदमियों की आवाज में बात कर रही? नहीं तो मैं तो वो मैं एक्सरसाइज करी थी। यार मुझे चाय बना दो जरा। तो तुम्हारे मियाँ का भी कोई हस्बैंड है? जी। बहरहाल उसने कल घर पे इनवाइट किया है, कल मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर, तुम्हारे और फवाद के लिए खुशखबरी लेके। फवाद कौन? ओ अच्छा अच्छा, मेरे हस्बैंड। पर बॉस वो तो कल आपके घर डिनर पे मुलाकात होगी आपके हस्बैंड से। जी माजा फैसला कर लें, आपको मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है इस फोन के साथ। डॉली डॉली, नाशपाती को सोसाइटी का सोशल वेलफेयर अवार्ड मिल गया है। क्या? हाँ। क्या हुआ है? ये तो इतनी खुशी की खबर है, तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? अगर मुझे पता होता कि उसको अवार्ड मिल जाएगा तो मैं उसका नाम कभी ना लिखवाती। वैसे शादी करवाने पे ये वेलफेयर अवार्ड कैसे मिल गया? अरे जिन लड़कियों की शादी नामुमकिन होती है उनकी शादी करवाना ही तो सोशल वेलफेयर है। अच्छा, फिर तो अवार्ड मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने उस लड़की की शादी करवाई है जिसकी शादी होना नामुमकिन था। अच्छा, किसकी डॉली? मेरे खुद की। डॉली तुम्हें तो दरियाफ्त करनी चाहिए ताकि नोबेल प्राइज मिले। अरे प्राइज तो प्राइज होते हैं, नोबेल हो या ना हो, दरियाफ्त वो कौन सा मुश्किल है? अभी दरियाफ्त कर लेती हूँ। क्या करने लगी हो? अरे आप ही ने तो कहा कि दरियाफ्त करो, तो मैं अपने दोस्त की खैरियत दरियाफ्त कर रही थी। अरे दरियाफ्त से मुराद है इन्वेंशन, जैसे तुम रोज खाना बनाती हो, रोज नया बनता है, उसे कहते हैं दरियाफ्त। दरियाफ्त इन्वेंशन। थैंक यू मुस्तकीम, बेमिसाल। सुना तुमने, मुस्तकीम मुझे कितना अजीम समझते हैं। तुम्हारे अलावा सबको पता है कितना अजीम समझते। मुझे लगता है कि तुम्हें भी शादियां करवानी चाहिए। भाई जिस तरह नाशपाती औरतों की शादियां करवाती, तुम मर्दों की शादियां करवा लो, कैसा? तो क्लाइंट ढूंढो ना। डॉली डॉली मैं फंस गई हूँ, मेरा हस्बैंड कहाँ से आएगा? क्लाइंट आ गया। डॉली मेरा बॉस कल आ रहा है मेरे घर पे मेरे हस्बैंड से मिलने। कल तक शादी जल्दी नहीं हो जाएगी?
शादी नहीं करनी मुझे, बस इस मसले से जान छुड़ानी है। हाँ, तो मसला क्या है? डॉली डार्लिंग है ना? अरे टेंशन नॉट, तुम्हारे लिए किराए पे कोई हस्बैंड ले लेंगे, या फिर हाँ मुस्तकीम का असिस्टेंट है ना टिकटिकी, उसको तुम्हारा हस्बैंड बना लेंगे। अरे बेरी टेलर को भी एक्टिंग का बहुत शौक है, तुम टेंशन ही लो, शौहर बहुत है। बॉस के आने का टाइम हो गया और डॉली ने अब तक बंदा नहीं भेजा। फोन करती हूँ, लगता है भेज दिया। कितना कुछ समझाना है, वैसे ही लेट हो गए। कितनी देर लगा? जी मैं तो 5 मिनट पहले आ गया हूँ। सॉरी सर, वो मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या मतलब? कुछ लड़कियों का शौहर होते नहीं है ना, तो वैसे ही कह देती है कि हम शादीशुदा हैं। इसको कैसे पता चल गया? जी नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं सर, आप तशरीफ रखिए, आइए अंदर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वाह 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 वाह। डॉली ने अभी तक हस्बैंड नहीं भेजा, क्या करूँ? बेमिसाल से पूछ लो। हेलो बेमिसाल, एक मसला हो गया है, डॉली मेरा फोन नहीं उठा रही है और मेरा बॉस मेरे घर पर आ गया और मेरे पास कोई हस्बैंड ही नहीं है। हाँ मैं तुम्हें एड्रेस भेज लूँ, प्लीज कोई बंदा भेज दो प्लीज। ओके ओके, डॉली को भी मैसेज कर देती हूँ, पहला वाला बंदा नहीं आया। घर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आपके शोहर की तस्वीर कहीं नहीं नजर आई, करते क्या है? वो क्या करते हैं? मेरा मतलब है कि आप उनसे ही पूछ लीजिएगा कि वो क्या करते हैं, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे आपको। हाँ। लगता है मेरे हस्बैंड आ गए। ये लोगों को बेल से कैसे पता चल जाता है कि चंदा मांगने वाला है? मेरी बेल से तो अब तक कोई दरवाजा नहीं खोला। कितनी देर लगा दी तुमने, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। जी मेरा नहीं, जो तुम्हारे साथ आए हैं उनका। मेरे साथ तो कोई नहीं आया। डॉली ने भी किस मौलवी को भेज दिया, अब इधर उधर क्या देख रहे हो, जल्दी अंदर आओ। मैं मोहतरमा, मेरा ख्याल है यही बात कर लेते हैं। देखो तुम पहले ही बहुत लेट हो चुके हो, जल्दी से अंदर आओ। और सुनो, ये दाढ़ी असली है ना तुम्हारी? जी जी बिल्कुल असली है। और तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे हस्बैंड हो? इंशाल्लाह, अब मेरा मतलब है पक्की बात है ना। और तुम्हारा नाम फवाद खान है? वो तो मैं कभी कभार फवाद खान जैसा दिखता भी हूँ, गली के बच्चे चेरते फवाद फवाद बोल के। लेकिन आपका शोर, तुम जल्दी चलो, हम भी चलो, भी आओ जाओ, आज आज। अब फवाद खान ये मेरे बॉस हैं, और सर ये मेरे हस्बैंड फवाद खान। जी